वुमेन हरासमेंट जिसको बहुत कम एड्रेस किया जाता है कि हर दूसरी औरत के साथ होता है. सम पीपल आर हरास्ड फिजिकली, सम पीपल आर हरास्ड मेंटली. वुमेन हरासमेंट को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है. लोग बात नहीं करते. मैं समझती हूँ इसके बारे में बात करनी चाहिए. हमारे जनरेशन को साइबर बुलिंग एड्स अप टू आवर डिप्रेशन. बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं. इन अ वे मेंटली लोग हरास हो जाते हैं. ट्रांसजेंडर्स को इंसानियत का वो दर्जा नहीं दिया गया. सोसाइटी को इतनी अवेयरनेस आ रही है और आ गई है कि वो भी हमारा हिस्सा है. प्रोग्राम है पब्लिक इंटरेस्ट और मैं हूँ ज़ैनब फरीद खान. हर वो शख्स जो जुल्म के खिलाफ चुप रहता है जालिम कहलाता है, फिर चाहे वो मजलूम हो या फिर वो शख्स जो जुल्म का तमाशा देख रहा हो. पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड नेशन चार्टर्स इंसानी हकूक के ज़ामिन हैं, लेकिन फिर भी इंसानी हकूक की पामाली को रोका नहीं जा सकता. जब इस इंसानी हकूक की पामाली को रोकने के लिए सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाती है और इंसाफ के हसूल के लिए बात करती है, तो नतीजा ज़ैनब कत्ल केस में मुजरिम को सजाए मौत की सूरत में मिलता है. ऐसी आवाज़ों में से ही एक आवाज़ बीजीज फाउंडेशन की को फाउंडर एनी की हुई है, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, ट्रांसजेंडर राइट, मेंटल हेल्थ इश्यूज और एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए पाकिस्तान में बहुत काम किया. थैंक यू सो मच एनी फॉर बीइंग विद अस. वुमेन हरासमेंट के हवाले से बात करते हुए मी टू मूवमेंट जो है अमेरिकन सेलिब्रिटी एलिसा मिलानो ने लॉन्च की और उसको वर्ल्ड वाइड बहुत वार्म रिस्पॉन्स मिला. हर तबके की खातून ने इसको रिस्पॉन्ड किया और मर्दों ने भी इसको बहुत सीरियसली लिया. इस हवाले से बात करते हुए हम बीजी फाउंडेशन और आपकी खिदमात को के बारे में जानना चाहते हैं. वुमेन हरासमेंट इज़ समथिंग जिसको बहुत कम एड्रेस किया जाता है और आई थिंक ये हर दूसरी औरत के साथ होता है वन वे और दी अदर. सम पीपल आर हरास्ड फिजिकली, सम पीपल आर हरास्ड मेंटली, और ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है. और ज़्यादातर वर्किंग वुमेन आर द टारगेट बिकॉज वो जब घर से काम करने के लिए निकलती हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है. सो कभी कभी कोई लोग आंखों से हरास करते हैं, कोई बातें करके करते हैं, कोई डायरेक्ट ऐसी बात कर देते हैं जो बहुत नाज़ेबा होती है. सो आई थिंक इस चीज़ को देखते हुए, आई एम अ वर्किंग वुमन, माई मदर हैज़ बीन वर्किंग फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 29 years नाउ. सो हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और वुमेन हरासमेंट पे हमने काम भी किया और हम अभी भी कर रहे हैं. और हमारा वन ऑफ द मेन मोटिव्स फॉर आर NGO एंड सोशल वर्क वो हरासमेंट ही है. हमारा एक बीजीज फाउंडेशन की तरफ से मेरी अम्मी ने एक बहुत सीरियस केस कंडक्ट किया था कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 5 years ago, जिसमें हमारी एक बहुत ही रिनाउंड पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी थी, उनके वाइस चांसलर थे. फॉर द फर्स्ट टाइम उनको डिसमिस कराया गया था कोर्ट से बिकॉज वो 12 साल से एक खातून की डिग्री नहीं दे रहे थे और वो उनको हरास कर रहे थे टू हैव सम फिज़िकल रिलेशनशिप्स और वॉट एवर. जो भी एक उस्ताद का और स्टूडेंट का एक बहुत इज़्ज़तदार रिश्ता होता है, सो वो उसको उसकी लाइन भी क्रॉस कर रहे थे, जिसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई. हम कोर्ट गए, हम लोगों ने मीडिया की हेल्प ली, सिविल सोसाइटी लोगों वालों के साथ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली उस लड़की को डिग्री मिली और वो डिसमिस हुए. सो इस तरह के बहुत सारे और केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो दबी रह जाती हैं. लोग बात नहीं करते, लोग आगे आके बताना नहीं चाहते, बट मैं समझती हूँ इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि वी नीड टू पुट एन एंड टू इट. हर दूसरी तीसरी औरत अगर हरासमेंट अगर उसके साथ हो रही है तो वो उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दे तो आई थिंक बहुत सारा चेंज आएगा, बहुत सारी औरतों को तहफ़ुज़ मिलेगा. वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग सोचते नहीं हैं. इट्स जस्ट दैट हम बात कर सकते हैं बट हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं. हमें करना चाहिए. आई थिंक एवरीबडी जिनके साथ होता है वो सबसे पहले वो आगे आए, बात करें, उसको उधर ही रोका जाए तो चीज़ें जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सकेंगी. इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो इस बात को बहुत रिकॉग्नाइज़ किया गया, वुमेन हरासमेंट को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है अब. और आई थिंक पाकिस्तान में भी वो टैबू एक तरह से स्मैश हो गया हम कह सकते हैं. Exactly. और अब हर खातून जो है वो अपने हक के लिए बोल रही हैं और वुमेन हरासमेंट के खिलाफ आगे आने में उनको उतनी हेजिटेशन नहीं होती जितनी पास्ट में होती थी. यानी इंटरनेशनली अगर हम देखें तो 10th अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है. सो दिस इज़ एक्सेप्टेड दैट कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कितने इम्पॉर्टेंट हैं. पाकिस्तान में अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से तो 50 मिलियन
people are suffering from mental disorders jinmein depression, anxiety, compulsive disorders jaise issues shamil hain. Anam Tanali ka agar hum case dekhein, to she was a successful actress and on the peak of her career, she committed suicide out of depression. In cheezon ke bare mein hum baat nahi karte, hamari society mein ye cheeze itni acceptable nahi hai. क्या स्टेटस देखती हैं आप पाकिस्तान के एक ऐसी हकीकत जो कि हमें खाई जा रही है लेकिन हम इस पर बात करने से भी घबराते हैं. डिप्रेशन एक इलनेस है, लोग इसको पागलपना समझते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. इट इज़ अ मेंटल इलनेस. इसी तरह की बीमारी है जैसे किसी को कुछ फिजिकली इशू होता है, इस तरह मेंटल हेल्थ बहुत काउंट करती है. इफ़ यू नॉट हेल्दी मेंटली, आप एक नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाएंगे. आपके साथ इर्द गिर्द आपकी फैमिली के सारे लोग इफेक्ट होते हैं. और इस ये सोच लेना कि अच्छा इसको डिप्रेशन है तो इसको डॉक्टर पर जाने की क्या ज़रूरत है, अगर कोई साइकाइट्रिस्ट पर जाएगा या कोई काउंसलर पर जाएगा सो वो पागल ही होगा तो जाएगा, नो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. जब तक आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं, आप कुछ भी लाइफ को, अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर सकेंगे, आप हैप्पीनेस स्प्रेड नहीं कर सकेंगे, आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे. और बेसिकली लोग बात नहीं करते, मुझे लगता है कि लोग अपने स्कार्स को दिखाने से डरते हैं और वो शायद कहीं ना कहीं सही भी हैं क्योंकि हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं, सोसाइटी इतनी जजमेंटल है कि वो रिमार्क्स पास करती है, वो आपको जज करना शुरू कर देती है एंड दे डोंट लिसन टू यू, दे स्टार्ट लाफिंग, दे मेक फन ऑफ यू, विच इज़ वेरी रॉन्ग. ये कहीं ना कहीं जितने लोग सुसाइडल हो गए हैं और आजकल टीनएजर्स में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाया जाता है बिकॉज दे डोंट टॉक, उनके पेरेंट्स में और उनमें एक कम्युनिकेशन गैप है और उस गैप की वजह से एट टाइम्स पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारने के लिए इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि बच्चे उनके सामने अपनी बात रख ही नहीं पाते. एट टाइम्स कुछ मैंने केसेस देखे हैं डिप्रेशन के, जो सीवियर डिप्रेशन केसेस थे, पेरेंट्स चाहते हैं वो डॉक्टर बने बट वो डॉक्टर वाला उसका जहन नहीं है, वो इतना केपेबल नहीं है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो पेंटर बनना चाहता है बट ही इज़ फोर्स्ड टू डू मेडिकल. इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन बिकॉज वो कि फैमिली कॉम्पिटिशन है, बाकी फैमिली प्रेशर्स के अंदर आके बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे उनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाती है. और अगर एक दफ़ा आप डिप्रेशन से गुजरे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं. अगर डिप्रेशन ठीक भी हो जाता है, आपकी एनजाइटी का इशू कुछ कदरे हद तक बेहतर भी हो जाता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड इट नेवर द स्कार्स आर ऑलवेज देयर. वो जब डिप्रेशन क्योर हो जाते हैं तो आप फिजिकली बीमार हो जाते हैं एंड इट इज़ समथिंग विच आई वुडंट हेजिटेट टू से दैट आई हैव बीन थ्रू एंजाइटी, आई हैव बीन थ्रू डिप्रेशन एंड आई नो हाउ इट इज़. आई नो हाउ सैड इट इज़ व्हेन देयर इज़ नोबडी, यू नो, व्हेन देयर इज़ नोबडी टू टॉक टू. मगर अल्हम्दुलिल्लाह द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच एवर हैपन टू मी ड्यूरिंग द बैड फेज ऑफ माई लाइफ was that I started praying and I became more closer to my God. And I thought कि मुझे इसको fight करना है और मुझे लोगों को भी heal करना है. But it is a serious illness. अगर आप mentally ठीक हो जाते हैं, आप बेहतर हो जाते हैं, अपनी back to normal life में आ जाते हैं तो आप physically बीमार हो जाते हैं. Because कहीं ना कहीं आपकी पूरी body आपके brain से connected है और वो कभी आपके नर्व्स वीक हो जाते हैं, कभी आपको स्टमक इश्यूज शुरू हो जाते हैं, आईबीएस शुरू हो जाता है. मेन कॉज इज़ डिप्रेशन. सो मेंटल इलनेस को ठीक करना, मेंटल इलनेस के बारे में बात करना, मेंटल इलनेस को ट्रीट कराना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी हेल्दी सोसाइटी टू एक्चुअली डू वेल. So we need to normalize this thing जो कि unfortunately there is a thing in Pakistan कि जब हम किसी भी mental disorder के बारे में बात करते हैं, कोई इसके बारे में बात करना भी चाहता है तो लोग कहते हैं कि इसको एक पागल का टैग मिल जाता है. लेकिन internationally इस चीज़ को बहुत accept किया गया है, वो they encourage people to talk about it. और आज आप देख लें कि last days में एक engineering का student था, despite of having everything और सब कुछ उसके पास अवेलेबल था, ही कमिटेड सुसाइड. एंड उसका भी जो रीज़न था दैट वॉज मेंटल हेल्थ इशूज, फैमिली प्रेशर्स. वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, वो फेल हो रहा था, उसको फेवरेटिज्म का सामना करना पड़ा, उसके टीचर्स सुन नहीं रहे थे एंड ही थॉट दैट देर इज़ नो बडी टू लिसन. बेसिकली नो बडी वॉज एक्चुअली लिसनिंग टू हिम. सो इवेंचुअली उस पर वही बात आ गई कि हमारी बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं, हमारी फैमिली की सपोर्ट काउंट करती है, जो बच्चे होते हैं, प्लीज़ आई
मैं बहुत लोगों को ये बोलती हूँ, आई रिक्वेस्ट एवरी वन कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, लेट देम ग्रो, लेट देम बी देयर बेस्ट फ्रेंड्स. पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनसे बात करें, उनको जानें और उनको समझें. और खुदा ना खास्ता अगर किसी के मार्क्स कम आ गए हैं और कोई किसी सेमेस्टर में फेल हो गया है तो उसको मौका दें. मतलब हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ ऐसा किया है कि वो हर दफ़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाए. तो अगर आपका बच्चा किसी पॉइंट पर जाके कोई चीज़ में फेल होता है तो उसको मौका दें, इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग द पर्सन कि वो डर और खौफ से डिप्रेशन का शिकार हो जाए और वो सुसाइडल हो जाए कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे या मेरी सोसाइटी क्या कहेगी. वो इसी खौफ से लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द करेज टू टॉक अबाउट. पेरेंट्स एंड फैमिली, दे नेवर गिव देम द करेज, दे नेवर गिव एंड द स्पेस, एंड दे नेवर ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है जो ग्रो कर रही है, जो जिसका अपना एक विजन है, जिसके अंदर अपनी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहता है. सो यू नो, लेट देम डू इट, जस्ट गिव देम स्पेस. 21st सेंचुरी के हवाले से अगर हम बात करें, हमारे जनरेशन को साइबर बुलिंग एड्स अप टू आर डिप्रेशन और एनजाइटी. उस हवाले से अगर हम बात करें तो आप क्या स्टेटस देखते हैं पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं. इन अ वे मेंटली लोग हरास हो जाते हैं, लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, लोगों के लिए गलत तरह की वीडियोज़ डाली जाती हैं, प्राइवेसी ब्रीच करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग. बिकॉज फेसबुक, सोशल मीडिया इज़ टू हेल्प अस, यू नो, हमें वो ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी इसलिए है कि हम दुनिया से कनेक्टेड रह सकें, हम इसका अच्छा इस्तेमाल करें. आई हैव नो आइडिया कि लोग इतना नेगेटिव कैसे हैं और इतनी नेगेटिविटी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इतना लोगों दूसरे लोगों के लिए इतना बुरा करके. हाउ कैन दे स्लीप एट नाइट, हाउ कैन दे बी पीसफुल, यू नो, दिस इज़ ऑल्सो एन इलनेस, ये भी एक तरह की बीमारी है. क्योंकि वो लोग दूसरों को तंग करके शायद उनको कोई अच्छी हैप्पी फीलिंग आती है, वो कहीं ना कहीं उनका भी मेंटल डिसऑर्डर है. Exactly. उनको कहीं ना कहीं बचपन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, या वो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर पॉजिटिव होने के बजाय इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि वो लोगों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशंस इस तरह से उतारते हैं. बहुत सारे लोगों की शादियां टूट जाती हैं, लोगों की लाइफ तबाह हो जाती है सिर्फ साइबर क्राइम के वजह से. ट्रांसजेंडर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो बीजीज फाउंडेशन ने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बहुत काम किया. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक तरह से ट्रांसजेंडर्स को इंसानियत का वो दर्जा नहीं दिया गया जो एक आम इंसान को, आम जेंडर को, फीमेल और मेल्स को दिया जाता है. ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बीजी फाउंडेशन के काम को जानना चाहेंगे. ट्रांसजेंडर का जितना भी काम है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट्स वेरी क्लोज टू माई मदर्स हार्ट. बिकॉज हम लोग उन लोगों को बहुत प्यार करते हैं और आई एम श्योर कि सोसाइटी को इतनी अवेयरनेस आ रही है और आ गई है कि वो भी हमारा हिस्सा है. वो इतने डिप्राइव्ड हैं बिकॉज वो उनको कोई भी किसी भी तरह से कम्फर्ट नहीं करता और उनको बुरा समझा जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप एक मुस्लिम हैं, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है. मतलब ट्रांसजेंडर्स भी हमारा हिस्सा हैं, हम उनको इतना बुरा ट्रीट करते हैं और उनके लिए इतना बुरा, बस उनको बहुत बुरा ट्रीट करते हैं. आई पर्सनली फील दे आर मच बेटर ह्यूमन बीइंग्स देन अस. आई डू अग्री. दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइफ, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल, और हम लोग शायद उतने सेंसिटिव नहीं होते जितने ट्रांसजेंडर्स होते हैं. ट्रांसजेंडर के लिए हम लोगों ने बहुत काम भी किया है. आशी भट्ट हैं एक, वो चेयरमैन हैं इधर लाहौर से ट्रांसजेंडर की, और उनके साथ मिलकर बीजीज फाउंडेशन ने एक बेघर फाउंडेशन के नाम से एक जगह बनाई है. इट्स लाइक अ होम फॉर पीपल जिनके पास घर नहीं है रहने को, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स. और क्योंकि उनका कोई होता नहीं है, उनकी फैमिली उनको अबैंडन कर देती है और उनको सोसाइटी ज़्यादा पूछती नहीं है, तो वो उनकी एक ओल्ड एज में जाके वो बहुत काम नहीं कर सकते, वो हाथ नहीं फैला सकते, तो
उनको कोई ना कोई जगह चाहिए होती है रहने के लिए, तो वो जगह उन्हीं के लिए बनी है, उनका घर है वो, और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि आशी अम्मी, मैं उनको अम्मी बोलती हूँ, वो एक ट्रांसजेंडर है और मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ और मैं उनको उतना ही रिगार्ड देती हूँ, उनका उतना ही रिगार्ड करती हूँ जितना मैं अपनी मदर का करती हूँ, बिकॉज़ वो मुझे बहुत प्यार करती हैं एंड आई ओन हर लाइक अ फैमिली, शी इज़ अ फैमिली. सो उनके साथ माई ओन मदर इन कलेबोरेशन बीजीएस फाउंडेशन के साथ इन लोगों ने ये जगह बनाई है और उसमें कुछ लोग शिफ्ट भी हो गए हैं और उसको बिल्कुल घर वाला एक माहौल दिया है. एसीज लगे हैं, टीवी लगा है, उनके लिए एक शेफ़ रखा गया है और कोशिश यही है कि जितना थोड़ा बहुत ज़्यादा सब लोग कंट्रीब्यूट करके उस जगह को मैनेज कर सकें और उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें. सो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स की एक्सेप्टेंस, सोसाइटी सोशल एक्सेप्टेंस में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. बिल्कुल आ रहा है. आई हैव अ सैलून ऑल्सो जिसके अंदर हम पूरा एक ट्रांसजेंडर का सेक्शन रख रहे हैं जिसके अंदर हम ट्रांसजेंडर्स को ट्रेन करेंगे और उनमें से कर भी रहे हैं कुछ लोगों को ताकि दे कैन अर्न विद डिग्निटी, वो काम कर सकें, वो रिस्पेक्टफुली अपने लिए जॉब्स तलाश कर सकें. और मेरे ख्याल में सब लोगों को अपना छोटा छोटा पार्ट प्ले करना चाहिए. वी नीड टू वेलकम देम इन आर हाउसेस, वी नीड टू गिव देम जॉब्स. हमारे घर में बहुत सारे हाउस होल्ड के ऐसे काम होते हैं जिसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है. सो व्हाई नॉट देम इंस्टेड के हम सिर्फ यही वेट करें कि वो सिग्नल्स पे खड़े हों, हम उनको धुतकारें, हम उनके साथ बुरा सलूक करें. व्हाई नॉट प्रोवाइड देम विद अ गुड प्लेटफॉर्म. तो व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट नाउ. हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए. एक्चुअली तब्दीली ये है. यानी एसिड विक्टिम्स के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान में ओनली पंजाब में 50% ऑफ द केसेस आर रजिस्टर्ड. उसमें से भी 90% ऑफ द केसेस दैट दोज केसेस आर नॉट डिसाइडेड बिकॉज द पॉवर्टी ऑफ पीपल. उसमें 65% जो है वो खवातीन की तादाद है और 15% बच्चों की तादाद है. इस हवाले से हमें इंटरनेशनली भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है. आप क्या स्टेटस देखती हैं पाकिस्तान में एसिड विक्टिम्स के हवाले से और क्या प्रोग्रेस अभी तक हम लोग कर पाए हैं इस इशू को सॉल्व करने के लिए? एसिड विक्टिम्स पे बहुत काम नहीं हो रहा जो मुझे लगता होना चाहिए. हो भी रहा है, बहुत सारी NGOs हैं जो कर रही हैं और हमें वही बात आ गई. ज़ैनब, हर चीज़ घूम फिर के एक ही चीज़ पर आती है, मेंटल इलनेस. ठीक है, अगर कोई इंसान किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है थ्रोइंग एसिड ऑन अ वुमन और अ चाइल्ड, ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल और शी इज़ नॉट मेंटली स्टेबल. तो बात वहीं से आ जाती है कि हमें एसिड विक्टिम्स के लिए भी काम करना चाहिए और कॉज के लिए भी काम करना चाहिए. हमें उनके लिए उस तरह के हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स भी बनाने चाहिए, बट आई थिंक ये होना ही नहीं चाहिए. ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के खुद के हाथ में है. किसी का चेहरा डिस्ट्रॉय कर देना, किसी की बॉडी डिस्ट्रॉय कर देना, ये मेंटल इलनेस है. हमें सबसे पहले तो इस पर मेंटल इलनेस पे काम करना चाहिए ताकि ये ऐसे केसेस हो ही ना. बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो मैंने देखी हैं, वो बेचारी अफोर्ड भी नहीं करती हैं. किसी के मियाँ ने तेज़ाब फेंक दिया, किसी के भाई ने फेंक दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका दिल हिला देती हैं, लेकिन उन पे काम लोग आवाज़ नहीं उठाते. वही बात आ गई, लोग डर जाते हैं. पीपल आर स्केयर्ड टू शो देयर स्कार्स. यू नो, वी नीड टू शो आर स्कार्स ताकि हम लोगों को हील कर सकें. It's normal to have scars. It's normal to have depression. It's normal to go through a bad patch in life. We all go through it. Some people talk and some people don't. We need to talk about it. And those who don't talk about it, they get destroyed completely. Mentally and physically. First they get destroyed mentally. Their health is a major issue later stage pe aake. सो कम्प्लीटली ज़िंदगी इतनी छोटी सी है, इट्स लाइक अ बबल जो बहुत जल्दी गुजर जाती है, बट बाय द टाइम वी रियलाइज इट, इट्स टू लेट. मतलब हम किसी को हेल्प भी नहीं कर पाते, हम अपने आप को हेल्प भी नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज वी स्केयर्ड टू टॉक अबाउट इट. एक्चुअली अगर हम लोग अब इस मसले की इंटेंसिटी को देखें तो पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के लिए प्रैक्टिशनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उसके हवाले से क्या प्रोग्रेस आप देख रही हैं? बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत सारा जो आई थिंक
I'm very happy to see a lot of young people coming forward and working for it. A lot of people are narrating their stories, but utne log nahi hai baat karne ke liye jitne logon ko karna chahiye. Theek hai, jis tarah se me too pe shayad log phir bhi zyada baat kar rahe, but apne depression pe log utni baat nahi kar pate kyunki unki kahin na kahin family ka pressure aa jata hai, कहीं ना कहीं उनका अपना डर उनके आगे आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने बोल दिया, अच्छा मुझे डिप्रेशन था लोग तो मुझे पागल समझेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. जब तक आप अपनी स्टोरी नरेट नहीं करेंगे तो आप किसी को कैसे समझाएंगे कि इट्स ओके टू बी डिप्रेस्ड, देर इज़ अ क्योर टू इट, देर आर पीपल. सिर्फ आजकल मैं क्या देख रही हूँ, लोगों ने फेसबुक पर लगा दिया है कि देर इज़ अ केटल इन माई हाउस, आपको चाय मिलेगी, आप आएँ बात करें. Exactly. कोई भी नहीं आता, कोई भी आपका डोर बेल दे के नहीं बोलेगा कि आई एम डिप्रेस्ड, आई नीड टू टॉक टू यू. यू नो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हमें साइकाइट्रिस्ट चाहिए, हमें काउंसलर्स चाहिए. बेसिकली वी नीड टू स्टार्ट हैविंग काउंसलिंग सेशंस इन स्कूल, जो स्कूल में ही बेसिकली इश्यूज शुरू हो जाते हैं. किसी का ग्रेड कम आया, बच्चा डिप्रेस्ड है, उसको किसी ने नहीं पूछा, वो चुप चुप है घर पर, तो माँ बाप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड स्पेशली ख्वातीन की. बिकॉज एक औरत अगर स्ट्रांग होगी, मेंटली हेल्दी होगी, उससे हमारी जनरेशन चलती है, उससे हमारे जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होता है जो आप घर से देख रहे होते हो. अगर आप अपने बच्चे को सिखाओगे नहीं कि इट्स ओके टू फील सैड, इट्स ओके टू फील हैप्पी, इट्स ओके, सारे इमोशंस जिंदगी के साथ साथ हैं, तो वो हेल्दी नहीं होगा. सो माओ की ट्रेनिंग हमारे घर से, स्कूल से, और जितने हमारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे तो अभी तक इंटरनेट एक्सेस भी नहीं आया, उन बेचारों के पास तो बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है, उधर भी बहुत डिप्रेशन है. बिकॉज वहाँ इतनी ग्लूमीनेस है, वहाँ पे लोगों को दुनिया आदि, बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ख़वातीन को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है. उनके घर में टी वी भी नहीं है, उनके घर में कुछ भी नहीं है. तो हमें इन सब लोगों के लिए काम करना चाहिए. हमें स्पेसिफिकली सिर्फ लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, इन जगहों के लिए नहीं रोना चाहिए. हमें बल्कि उन जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे जिनका कोई भी नहीं है, जिनके पास कोई भी नहीं जाता, जो ऐसे गांव हैं, जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग जाने से अवॉइड करते हैं. और ये लोग क्या कहेंगे वाला जो स्टिग्मा है, ये गाँव में तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. अगर किसी को भी किसी काम से रोकना हो, लोग क्या कहेंगे, जो शहरों को इतना इफेक्ट कर रहा है, तो गांव तो फिर बहुत दूर की बात है. एजुकेशन ही नहीं है तो उनको ये लोगों का डर है ना. आज अगर मैं और आप बैठ के इस तरह से बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं थैंकफुल टू माय पेरेंट. मेरे लिए तो मेरी माय मदर इज़ माय फादर एंड माय मदर, शी इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड आई कांट थैंक हर इनफ. जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया वो आई थिंक सब माँ बाप करते होंगे, सब सिंगल पेरेंट्स करते होंगे, सब माएँ करती होंगी, बट शी हैज़ डन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स फॉर मी इन लाइफ. सो सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने मेरे लिए की, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, और उन्होंने मुझे, शी हैज़ शोन मी अ वे टू सक्सीड इन लाइफ. शी हैज़ सीन माई फेलियर्स, शी हैज़ सीन माई सक्सेस, और उन्होंने मुझे एम्पावर किया एज अ वुमन, नॉट एज अ मदर. मदर के लिए तो उन्होंने जो किया वो किया, बट उन्होंने एक औरत होने के नाते मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ फियरलेस एनी विद अस. थैंक यू सो मच एनी फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन. एंड इस डिस्कशन से हमें ये बात तो पता चल गई कि हमारी सोसाइटी को एक सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी भी चाहिए. आई थिंक अपने आने वाले वक्तों में हम पाकिस्तान में बहुत अच्छा असर देखेंगे इंसानी हकूक के हवाले से भी और मेंटल हेल्थ के हवाले से भी. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.